बहन जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? अंजना तिवारी। अंजना जी कहाँ से आए हैं आप? जामनगर गुजरात से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 20 जून 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी। क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे शरीर में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है, ना कोई ओझा तांत्रिक समझ पा रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन होता था, जैसे हजारों सुई चुभ रही है, कोई मुझे नोच रहा है, ऐसा होता था। मैं लगभग 17-18 साल में सोई भी नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं करती थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता था। मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, वो बोलते थे पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर समझ में नहीं आता था क्या है। जब मेरा ऑपरेशन चलता था तो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे मुझे बेहोश के, मैं बेहोश नहीं होती थी। मेरी मुझे नींद के इंजेक्शन देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बॉडी पार्ट को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। वो पेन किलर देते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। तो डॉक्टर परेशान थे कि इतनी ज़बरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। जब हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो वो बोलते थे ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। फिर कोई मुर्गा मांगे, कोई बकरा मांगे, कोई कुछ भी मांगता था। कोई बोलता था महामृत्युंजय का जाप करा लो, कोई बोलता था काली का जाप करा लो, गया करा लो। हमने वो भी करा लिया, 200 लाख चले गए, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लोग बोलने लगे कि नाटक करते हैं कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बोलने लगे। मतलब सब तरफ से हार गए हम। और जो मुझे ठीक करता था, जो ओझा तांत्रिक, पहले तो बोलता था 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है इन्हें ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। बोले जो हम इनके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जान लेने लगता है। तो ओझा तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे। मैं एकदम हताश हो गई। सुसाइड के अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, पर मेरा बच्चा छोटा था। मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी कि अगर परमात्मा कहीं है तो वो हैं कहाँ। इस कलयुग में तो परमात्मा आएंगे नहीं। जिसने जो बोला वो पूजा की। कोई बोलता था दुर्गा जी को मानो, कोई बोलता था हनुमान जी का, जिसने जो बोला उनको मानना चालू किया, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। ये बीमारियाँ कैसे ठीक हुई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, मैंने मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा परमात्मा का और टीवी पे गुरुजी का उस समय आ रहा था। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने बोला कि आप जिस भी संत के पास जाते थे तो नाटक करते थे, कोई ठीक नहीं करता था, लेकिन यदि देखा जाए बहन जी तो आज आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे संत ने आपको ठीक कर दिया जो स्वयं आज जेल के अंदर है, तो लोगों को ये नाटक ज़्यादा लगेगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बताना चाहूँगी कि जिनके पास हम जाते थे, जो लाखों रुपए लेते थे हमसे, वो तो हमें ठीक नहीं कर पाते थे। और जब नहीं ठीक कर पाते थे तो बोलते थे ये नाटक करें। और गुरुजी जिनके पास मैंने जाके अपनी कोई प्रॉब्लम बताई ही नहीं, मैंने सिर्फ टीवी में सुना था उनको और मैंने जाके नाम ले लिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताई गुरुजी को। सिर्फ घर पर आई, गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया और जो मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंत्र दिया था, बस उसको जपना चालू किया और नियम मर्यादा में रह के भक्ति करनी चालू की। धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम आत्मिक, मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। जब कम होती चली गई तो हमारे अंदर विश्वास आया कि सच्चाई यहीं पर है और परमात्मा यहीं है। लेकिन लोगों को ये विश्वास कैसे होगा कि एक संत है, जेल में है, वो खुद परेशानियों में है, वो आपकी परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे? क्या लोगों को ये नाटक नहीं लगेगा? आपके पास क्या प्रमाण है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपकी सारी बीमारियाँ ठीक हुई है? या आपको बीमारियाँ थी भी या नहीं थी? लोगों को कैसे विश्वास होगा इन बातों पर? क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओझा तांत्रिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? कौन कौन से मेडिकल में आप गए? जैसे मैं फिजिशियन के पास भी गई। कौन से मेडिकल में? दिल्ली एम्स में, और स्वरूप रानी हमारा इलाहाबाद का, वहाँ पर, और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई मैं, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सबके पास, किसी के पास मेरी, मतलब मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला उन लोग, किसी को भी। तो लोगों को विश्वास कैसे हो कि आप एक ऐसे संत से ठीक हो सकते हैं जो जेल में है, उस संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई? उन्हें खुद सोचना चाहिए ये चीज़, तो कि हमें भी क्या जरूरत है कि हम झूठ बोलेंगे। हमें, गुरुजी ने कोई हमसे पैसे नहीं लिए और ना हमने उनको कोई पैसे दिया है। हम तो बता रहे हैं कि हम इससे पहले जिनके पास जाते थे, डॉक्टर के पास इतने टेस्ट करा लिए हमने, हर ओझा तांत्रिक के पास लाखों हमने वहाँ दिया, पर हम वहाँ से ठीक नहीं हुए। और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने हमें पूरा प्रमाण दिखाया कि ये भक्ति सही है, पूरा प्रमाण दिखाया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, पूरी सच्ची भक्ति दिखाई और हमें जो मंत्र दिया, हमने उसको सिर्फ जपना चालू किया। हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमने उस मंत्र को जपना चालू किया और हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती। तो एक बार
ये पूरे मतलब जो हमारे जगत के भाई बहन है मेरे ऊपर विश्वास ना करे ना करे, एक बार वो मंत्र लेकर जपना तो चालू करे। जब वो इतने लोगों को वो ट्राई कर रहे हैं तो एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उन्हें भी ट्राई करें। वो जब वो ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। हमें भी कोई चीज़ को हम पहले ट्राई करते हैं। नहीं, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो? आपका इंटरव्यू देने का क्या मकसद है? मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं 18 साल से जिंदगी और मौत के बीच में झूली हूँ और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि सबने बोल दिया था, हमने लाइफ में ऐसा केस ही नहीं देखा। डॉक्टरों ने भी, ओझा तांत्रिक ने भी, वो भी बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत वाले आए, पर हमने ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस हमने देखा ही नहीं जिसको कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज़ हमारे ही ऊपर आ जा रही है हमारी जान लेने के लिए। और डॉक्टर तो ये बोलते थे हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि हम कोई दवा दें और इंजेक्शन दें और पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे। ये पहला केस है जिसके ऊपर कि कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ कोई दवा काम नहीं कर रही। वो मतलब मेरा ऑपरेशन चालू हो गया था पर मैं बेहोश नहीं हुई थी। फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होश में हूँ और मेरी पार्ट भी शुद्ध नहीं हुआ है। डॉक्टर मतलब इतने हताश हो गए थे कि जैसे मेरा ऑपरेशन पूरा करके वो खुद ही वैष्णो देवी चले गए कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। उस समय डॉक्टरों ने ही, जो साइंस नहीं मानती भगवान को, मेरा ऑपरेशन के बाद वो खुद वैष्णो देवी चले गए। और मैं उनसे ठीक भी नहीं, ऑपरेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहाँ चैनल पे। ऐसे ही देखते देखते न्यूज़ चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का आ रहा था। 2013 मार्च में जो आर्य समाजियों ने हमला किया था वो आ रहा था न्यूज़ में उस समय। उसको मैंने सिर्फ देखा था तो मैंने सोचा ये कौन से ऐसे संत है जिसके ऊपर ऐसा मतलब आक्रमण हुआ है। ये संत तो मैंने जब उनका थोड़ा बहुत कभी सत्संग देखा था, ऐसे न्यूज़ चैनल चेंज करते हो तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत सीधे साधे से दिखते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो न्यूज़ में आ रहा है? बस ये जिज्ञासा मेरे अंदर थी, इसलिए मैं उनका P7 न्यूज़ पर, उस समय गुरुजी का सत्संग आता था, साधना चैनल पे बंद था, तो मैंने P7 चैनल है उसको लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा, जैसे और लोग बताते वो ज्ञान बिल्कुल अलग था जो मेरे को समझ में नहीं आता, एक अजीब सा ज्ञान है ये। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के 6:30 बजे शायद आता था गुरुजी का, उस समय 6 बजे या 6:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा, तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते, गुरु मंत्र ले, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, आशाराम के पास चले जाती हूँ, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में ये आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा, तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहाँ आया। मैंने सोचा ये तो यहाँ से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी वो, राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्मऋषि शिवकुमार स्वामी के लिए सोचा, अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्मऋषि शिवकुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहाँ से हार के यहाँ आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में, जब मैंने सोचा नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी मालिक संत रामपाल जी मुझे उन सबसे बचाते चले जा रहे थे, अगला इंटरव्यू उन्हीं का आता जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे देकर के या किसी तरह का प्रलोभन देकर के दूसरे संतों के बारे में एक कुप्रचार कर रहे हों, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है जगत के अंदर, न उनके भगत निंदा करते हैं और न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं। और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं, वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं, उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। ये तो रही शारीरिक लाभ की बात, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक लाभ मिला। बात यदि आध्यात्मिक लाभ की करें और बात करें ये कि एक सच्चा सदगुरु होता है विश्व में, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुनते हैं? आप दूसरे संतों से संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार से अलग पाते हैं?
क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं पाए, वो सृष्टि रचना भी नहीं बता पाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी नहीं बता पाए, दुर्गा जी के पति कौन है, उन्होंने हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं ऐसा जिससे कि हम विश्वास करें। और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब पूरी एक एक यानी पूरी एक एक टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्ञान करा रहे, और वो भी पूरे शास्त्र खोल के हमें, वेद कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं सच्चाई, बाकी कोई गुरु ये नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, और लाखों धर्मगुरु हैं, लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत, प्रैक्टिकल करके लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया और पाया कि आपको जो शारीरिक परेशानियाँ थी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज से लाखों लोग जुड़ रहे हैं जेल में होने के बावजूद, और संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपसे बात करें अन्य अनुभवों के बारे में, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ हुए हैं? और लाभ जैसे ये हुए हैं कि पहले मेरे हस्बैंड हाई पोस्ट पे हैं, डीजीएम की पोस्ट पे, लाखों की तनख्वाह उनकी है, पर मैं जो तकलीफ झेल रही थी उसमें हमारे घर में एक रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उसका डबल हमारा हर महीने ओझा तांत्रिकों के पीछे जाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ मेरा एक रुपया नहीं गया, आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं, इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता है। अच्छा आप ये बताइए कि एक संत जेल में है, वो अपने शिष्यों को इतने सारे लाभ कैसे दे रहा है, लोगों को इतने सारे लाभ कैसे हो रहे हैं? जिसको देखो किसी का नशा छूट जाता है, किसी को आर्थिक लाभ हो रहा है, किसी को शारीरिक लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जेल में बैठे बैठे कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लाखों लोगों को लाभ भी हो रहा है? संत रामपाल जी कोई दवाई नहीं देते हैं, वो तो गुरु जी जो मंत्र दे रहे हैं, जैसे हम जिसको ढूंढते चले आ रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, जैसे हमारा बच्चा कोई गलती करता है हम उसे माफ़ करते हैं, तो हमसे अगर कोई पाप हुआ तो वो परमात्मा के पास भी जरूर हमारे पाप कर्मों को काटने का मंत्र होगा। गुरु जी वही मंत्र हमें देते हैं जिससे हमारे सारे वो गलत जो काम है विकार वो दूर होते हैं, हमारे पाप भी कटते हैं। अच्छा आप बात कर रहे हैं कि नामदान की, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले रहे लोग जबकि वो जेल में है? आज संत रामपाल जी महाराज ने हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खुलवा दिया है, संत रामपाल जी महाराज की का ये जो ज्ञान समझता है उसके बाद वो अपने नामदान सेंटर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके वहाँ जाके नाम उपदेश ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अपने जगत के भाई बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज़ ट्राई करते हो, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज को भी ट्राई करके देखिए, उनकी पुस्तक ज्ञानगंगा पढ़िए, उसमें यानी सच्चाई देखिए, आप जो अपने जो भी पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, आप एक बार सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा, तो जब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में भक्ति इतनी आसान होगी कि नाम सुमरण से इंसान पार हो जाएगा, तो फिर ये लाखों मंदिर क्यों बने हुए हैं, यहाँ क्यों लोग जा रहे हैं, क्यों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है। ये पंडित ही हमें बोलते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है मनुष्य जन्म के लिए, तो देवी देवता भी तरसते हैं, तो यहाँ पर ही आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि जो देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करके हम कहां जाएंगे? देखिए आप एक एजुकेटेड महिला हैं, एक लास्ट पर्सन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ज्यादातर फोकस होता है वो हिंदू धर्म के ऊपर होता है, क्या आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? जी नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये जो भी प्रचार है ज्ञान का जो सच्चाई है वो किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है, ये तो उनके उसमें ही लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यार, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसी पूजा पाठ लिखी है बस हमें उसी तरीके से करनी है, और संत रामपाल जी महाराज भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सत साहब।